सनातन धर्म तो सम्मान से कहता है, लेकिन एक जो वीडियो वायरल हो रहा है मौलाना के खिलाफ आपका, सत्य या सत्य क्या है इसकी वीडियो की बात? बिल्कुल बेझिझक आपने जो पत्रकार महोदय पूछा कि सनातन धर्म सबका सम्मान सिखाता, बेझिझक हम इसके साथ हैं और कभी भी हमने किसी भी धर्म मजहब के खिलाफ नहीं बोला। जो सनातन धर्म के विरुद्ध या सनातन धर्म के खिलाफ में साजिशें होती हैं उन पर चर्चा की, सनातनियों को जगाने की चर्चा की। हम कभी किसी की बुराई नहीं करते, ना किसी भी मजहब की बुराई करते हैं। और आप कैसी बात करते हैं, देखो ये जो मौला अली वाली चर्चा है, ये दरबार में कोई जिन्न आया था, उसने उस जिन्न ने कहा कि मेरा नाम अली है, तो हमने कह दिया कि अगर तुम्हारा नाम अली है तो हमारे पास बजरंग बली है। इस बात को मौला अली से जोड़ दिया, जो सरासर षड्यंत्र है, दुष्प्रचार है। और हम कभी भी किसी भी मजहब के भगवान, किसी भी धर्म गुरु के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। हमारे मन में सबके प्रति श्रद्धा है, सबके प्रति सम्मान है। मौला अली के बारे में हमने जितना पढ़ा समझा, वो अहिंसा के पुजारी है। इस वीडियो को मौला अली से जोड़ा, जो चूंकि दुष्प्रचार है, और इसके लिए अगर किसी को दुख पहुंचा, हमें खेद है, मन में हमारी भी भावनाएं दुखित हैं, हमको भी दुख हुआ। इस प्रकार से नहीं जोड़ना चाहिए, उनके भगवान भी उनके लिए सर्वोपरि है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके लिए अगर किसी को ऐसा लगता तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, परंतु मौला अली के लिए हमने ऐसा नहीं कहा। वो तो अहिंसा के पुजारी है। एक जिन्न कोई नाम रख लेता, जिन्न मैं फलाना हूं, मैं ढिकाना हूं, एक उस बुरी ताकत के खिलाफ जो बुरी शक्ति थी, नकारात्मक ऊर्जा थी, वो आई थी किसी के बॉडी पर, वह चर्चा कर रही थी, तब हमने कहा कि ऐसा नाम नहीं लेते हैं। और हमने फिर कहा कि बजरंगबली। तो हम सबको यही कहेंगे कि वीडियो का दुष्प्रचार ना करें, और आपको भी कहेंगे पत्रकार महोदय कि हम कभी भी किसी के भी खिलाफ नहीं है, न रहेंगे। हमारे प्रति, हमारे हृदय में सबके प्रति सम्मान है, सभी मजहब के प्रति सम्मान है, सभी मजहबों को ईश्वर के प्रति सम्मान है। हम तो केवल अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, इसलिए किसी को भी दुख पहुंचा, पुनः पुनः हम क्षमा। यह वीडियो असत्य जो वायरल हो रहा है।